गुड आफ्टरनून टू ऑल वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ डू यू होप यू आर वेल तो सभी बच्चे आ जाएं क्लास में क्लास बच्चों लाइव हो चुकी है और आज हम शुरुआत करने वाले हैं थोड़े से एक नए वर्क की थोड़ा सा इसको एक नया टच देते हैं जिसमें हम वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द इटिनररी और वोकैबुलरी में भी हम किसको करने वाले ओ डब्ल्यू एस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर वी हैव सीन ग्रामर के साथ साथ बच्चों हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी बढ़िया तरह से करना होगा द टाइम यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे तो यू विल फील ग्रेट आप बढ़िया महसूस कर रहे होंगे तो इसी पे बेस्ड लेते हैं आई कैन सी टेक्निक श्वेता जया शिवानी राधा वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों यस <coughs> yes, बच्चों तो लेते हैं चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपका द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ हम उसे क्या कहेंगे अगर एक लाइफ हिस्ट्री एक पर्सन की अपने ही थ्रू लिखी गई हो 21 को पेपर है शिवानी बहुत अच्छी बात है बेटा बढ़िया से तैयारी रखो उसकी ओके okay, तला तारू साहब ने बी कहा है टेक्निक ऑल राइट ऑटोबायोग्राफी ठीक है जी तो देखो अगर हम कहें कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन तो ये बच्चों बायोग्राफी है लेकिन रिटर्न बाय हिमसेल्फ इट वुड बी ऑटोबायोग्राफी ये क्या बनेगी आपकी ऑटोबायोग्राफी बाकी एकेडमी आप जानते हो तो सारे ही वर्ड्स अगर आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा डन बच्चो दैट्स ग्रेट अगले वर्ड को लेते हैं अ मैन हु लंग्स एन आर्ट फॉर प्लेजर एक ऐसा पर्सन जो एक आर्ट को सिर्फ प्लेजर के लिए सीखता है प्लेजर का मीन्स यहां पे क्या कि वो उसे खुशी देती है ऐसी आर्ट को वो सीखता है तो वो क्या कहलाएगी एकेडमी, वो क्या कहलाएगा एकेडमी, अमेच्योर बनेगा बिल्कुल सही आंसर है बहुत अच्छे बच्चों तो ये पर्सन बेसिकली कौन होता है इसको हिंदी में हम बच्चों अगर देखेंगे तो हम कहेंगे शौकीन तो ये अपने शौक के लिए करता है इस जबकि इसका अपोजिट अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा प्रोफेशनल ही वुड बी प्रोफेशनल तो अमेच्योर इज शौकीन one वन does नॉट बिलीव इन गॉड नास्तिक है अकेडमी आप जानते हो एनोनिमस का मतलब होता है बच्चों बिना नाम का अज्ञात हिंदी में हम कहेंगे यानी कि वेन यू नॉट नॉट मैं योर नेम would बी anonymous नो नेम वाले को बिल्कुल सही हम उसे क्या कहेंगे obsolete honorary illiterate या फिर नन ऑफ द above इन चारों में से बच्चों क्या बनेगा हमारा आंसर सो फॉर विच नो सैलरी इज पेड ये पर्सन क्या कहलाएगा बहुत अच्छे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है ये बेसिकली ऑनरेरी बनता है ऑनरेरी का मीन्स होता है बच्चों अवैतनिक, बिना वेतन का एक ऑनरेरी ऐसी जॉब होती है ऐसी पोस्ट होती है जो बिना वेतन की होती है आपको सारे राइट्स मिलते हैं बस आपको तो सैलरी नहीं मिलती ऑप्सोलेट का मीन्स होता है बच्चों जो आउट ऑफ फैशन हो आउट ऑफ वॉक कह दो ज्यादा बढ़िया है आउट ऑफ वॉक या फैशन ठीक है जी जैसे बहुत सारी चीजें ऑब्सोलेट हो चुकी हैं खत्म हो चुकी है क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन होगी इलिटरेट एक पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट इलिटरेट क्या लगेगा निरक्षर ठीक है जी तो ये बच्चों हमारे वर्ड्स बनेंगे हा नोट इन ट्रेंड वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग एक ऐसा पर्सन जो हमेशा चीजों की नेगेटिव साइड को लेता है हम उसे क्या कहते हैं पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट इंसॉल्वेंट या फिर बच्चों नन ऑफ द एब क्या बनाएंगे आप इसमें वोट शुड बी द आंसर एग्जैक्टली बच्चो ये पैसिमिस्ट बनेगा कैसा पर्सन है ये हमारा पैसिमिस्ट पर्सन बनेगा तो बच्चों हम इसे पैसिमिस्ट बनाएंगे दैट पर्सन वुड बी टोटली पैसिमिस्ट और अगर मैं इसका उल्टा देखूं तो ऑप्टिमिस्ट ये हमेशा बच्चों चीजों की ब्राइट साइड को देखता है इसको हम कहते हैं निराशावादी ये एक पर्सन कैसा है आशावादी इंस्टॉलमेंट वो होता है जिसके पास में कुछ बचा ही नहीं है पोपर जिसे कहेंगे पी ए पी यू आर इंस्टॉलमेंट टेली पॉपर क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों ये किसने वर्क लिखा है द पोएट एंड द पॉपर द पोएट एंड द पॉपर बताइए हैज हुटन दिस वर्क इन लिटरेचर दीपालिया बिल्कुल सही बात है ये वही है पर्सन बिल्कुल करेक्ट बच्चों ये हम इसे ही कहेंगे जरा बताओ बच्चों इफ आई से द पोएट एंड द पोपर वॉज रिटन बाई हू तो इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर आर एन टैगोर बच्चों ये आर एन टैगोर थे जिन्होंने इसको लिखा था। कर सकते हैं आप लोग एग्जैक्टली exactly बच्चों अगले पे आते हैं बच्चों पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन मतलब एक पर्सन जो सुख और दुख में समान रहता है इनडिफरेंट का मीन्स क्या होता है समान रहना उदासीन रहना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे खुशी दे दो गम दे दो सबको लगा के रखता है स्टोइक बच्चों बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है इसको हिंदी में हम कहते हैं संयमी या संयमी या फिर आप इसे कहेंगे सन्यासी यही सन्यासी यमी है ऑल राइट एवरी वन भी कहते हैं एक्सैक्टली exactly. हम इसे ऑस्टर भी कहेंगे एसेटिक भी कहेंगे

है ना बच्चों तो वो पैरासाइट कहलाएंगे गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर मतलब उसकी पावर पे कोई लिमिट ही नहीं है ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी बायकोट या फिर बच्चों इनविंसिबल 22 को चलो बहुत अच्छी बात है ऐसे बेटा वहां पे हेल्प करेंगे टेक्निक आपको 100 ऑटोक्रेसी एग्जैक्टली बच्चों ये ऑटोक्रेसी है ऑटोक्रेसी का मीन्स क्या होता है डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है ना इसी को बच्चों हम डेस्पोटिज्म भी कहते हैं डेस्पोटिज्म क्योंकि जब किसी के पास में एब्सोल्यूट पावर होती है बच्चों वो गुंडा राज चलाता है वो क्या चलाता है गुंडा राज वो गुंडा राज चलाता है सिर्फ बाकी इनविंसिबल जिसको जीता नहीं जा सके अजय बाइगोट कैसा पर्सन होता है कट्टर फेनेटिक भी इसको कहते हैं आप स्टॉन्च भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी आप जानते हो ब्यूरोक्रेट्स आई एस पी जो सेलेक्टेड पर्सनल होते हैं उनके थ्रू बच्चों हम करते हैं तो सेलेक्टेड पर्सनल आई से इट वुड बी ब्यूरोक्रेसी और अगर बच्चों में यहां पे कह दूं आपको जरा बताना मुझे बड़ा अच्छा वर्ड है जीरो बताओ जरा इसका मीन्स क्या है मोबोक्रेसी हाँ जी जीरो जी बच्चों किसको कहेंगे पॉलीग्लॉट पोलीगोट पोलीगोट नहीं पोलीग्लोट बनेगा बेटा राधा ओल्ड पर्सन गवर्नमेंट हाँ बिल्कुल सही है अब गवर्नमेंट भाई देखो देखो यहां पे ये बहुत अच्छा वर्ड है जीरो जब जीरोने को करता है जीरोने को कब करता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो का मतलब बूढ़े से तो बाय बाई पीपल या मैं इसको लिख सकता हूं गवर्नमेंट बाई द ओल्ड ओल्ड पीपल या द ओल्ड एक ही बात तो है बच्चों और मोबोक्रेसी का मीन्स मोब से मोब का मीन्स होता है बच्चों गवर्नमेंट बाई अनरूल्ड क्राउड या एंग्री क्राउड ठीक है जी इसको बच्चों हम मोब कहते हैं गुस्साई हुई भी भीड़ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं उनमें ऐसी वाली भीड़ को हम कहते हैं प्लेस फॉर क्रीमेटिंग कॉर्पस क्रीमेटिंग का मीन्स होता है बच्चों जलाना देखो एक वर्ड होता है दफनाना उसे हम क्या कहते हैं बरी बरी करना दफना दिया है तो उसे बरियल भी कहते हैं क्या क्या है वो बरियल है चर्च यार्ड हो गए या फिर बच्चों हम बरियल की बात करें सिमेट्री को कहें ये सब एक ही वर्ड है कब्रिस्तान जिसे हम कहते हैं दैट वुड बी कब्रिस्तान लेकिन बच्चों ये जो क्रीमेटोरियम है ये बच्चों क्या होता है जहां पे जलाया जाता है शमशान है ना शमशान घाट तो शमशान का मतलब जलाने से तो क्रीमेटोरियम कहला है प्लेस फॉर क्रीमेटिंग कॉर्पस कॉर्पस का मीन्स किससे होता है लाश से डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन लेकिन अगर मैं कहूं कि डेड बॉडी अ एनिमल कैरकस कैरकस कहलाती है सारी वर्ड बच्चों जबरदस्त हैं कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपसे ठीक है जी क्या सब बच्चे इसको देख पा रहे हैं बाकी कोस्मोपोलिटन बच्चों कौन होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं विश्व मित्रीय है। विश्व मित्री है ये पूरे विश्व को पूरे कोस्मोस को अपना घर मानता है है ना वन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज होम इज कॉल्ड कॉस्मोपोलिटन कैसे इंप्रूव करें राधा हाँ, बेटा आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप इसकी इसको लिख लिख के देखो ज्यादातर को लिख के देखो बार बार प्रैक्टिस करो देन यू कैन इंप्रूव पर्सन हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनोदर अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं इमीग्रेंट और बच्चों एमीग्रेंट इमीग्रेंट इम इन ई का मींस एग्जिट से एमीग्रेंट जो किसी दूसरे कंट्री में जाता है ये किसी कंट्री में बच्चों आता है तो आने वाले को हम कहते हैं इमिग्रेंट जाने वाले को कहते हैं तो देखो पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनोदर अपना छोड़ के दूसरे में बोलो क्या कहोगे आप इसे इमिग्रेंट कहेंगे सीधी सी बात है ये रहा इमिग्रेंट और अगर लिखता के पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री एंड सेटल्स देयर दैट वुड हैव बीन इमिग्रेंट एमिसरी दूत होता है बच्चों है ना मर्सीनरी होता है बच्चों भाड़े का सैनिक का सैनिक यानी वन कैन डू एनीथिंग फॉर मनी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है हम उसे मर्सीनरी कहते हैं जैसे कश्मीर में आपको बहुत सारे मर्सीनरी मिल जाएंगे उनको पैसा दो कितने भी बम ब्लास्ट कराओ हम एमीसरी वहां पे मर्शीनरी को देख सकते हैं नेक्स्ट भी देखो बच्चों सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एक ऐसा सेल्फिश पर्सन जो हमेशा अपने बारे में सोचता है इगोइस्ट ईगोइस्ट ऑरेटर या फिर नन ऑफ द एबो मेरा इक्कीस को पेपर है ठीक है शिवानी देखते हैं बेटा राइट बच्चों ईगोइस्ट बहुत अच्छे ये पर्सन ईगोइस्ट है है ना ये हमेशा अपने बारे में सोचता है जबकि अगर इसमें ईगोटिस्ट हो जाए यह पर्सन सेल्फ प्रेज करता है देखो कितना सा फर्क है ईगोटिस्ट सेल्फ प्रेज ईगोइस्ट बच्चों क्या करता है सेल्फिश पर्सन है अपने बारे में सोचता है फेटलिस्ट वन डिपेंड्स ऑन लक ये फेट पे विश्वास करता है लक पे विश्वास करता है मेरे भाग्य में जो होगा मिल जाएगा भाग्यवादी है ओरेटर वक्ता होता है बच्चों ये लोगों की बात को अथॉरिटी के सामने रखता है हाँ, नार्सिसिस्ट बिल्कुल अपने खुद को चाहने वाला ना, नार्सिसिस्ट कह देंगे इसको अ पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और रिवॉर्ड देखो बच्चों कितना बढ़िया वर्ड आ गया आपके पास में एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ मनी या फिर रिवॉर्ड के लिए काम करता है हम उसे क्या कहते हैं बिल्कुल सही बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा था इट वुड बी मर्सिनरी भाड़े का सैनिक भाड़े का सैनिक एपोस्टेट वन हु वन क्विट हिज रिलीजन एक बच्चों वो जो अपना धर्म छोड़ देगा एपोस्टेट कहलाएगा मार्टिर होता है वन डाइज वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इसीलिए बच्चों नोबल कॉज के लिए मरता है तो हम इसे कहते शहीद तो यह पर्सन शहीद है मार्टेड ही टेकन एफ दार्ट नेक्स्ट वर्ड को देखो बच्चो इसमें पूरे हो गए जी अच्छा यह मार्टियर कर रखा है मार्टिर है ऐसे है बच्चों स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी गलत हो रही थी अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इसके बच्चों पेरेंट्स जिंदा नहीं है क्या कहेंगे आप इसको हंड्रेड परसेंट ऑर्फन का मतलब होता है बच्चों अनाथ जबकि होमिसाइड का मीन्स क्या होता है मर्डर ऑफ ह्यूमन अ मैन एमिग्रेंट आप बढ़िया से जानते हो वन हु गोज टू अन अदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग है ठीक है बच्चो तो चलिए आगे बढ़ते हैं द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री वेरी नाइस वर्ड डेमोक्रेसी एनआरकी ब्यूरोक्रेसी या फिर नन ऑफ बिल्कुल श्वेता बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों। राधा आरूस जया बिल्कुल एनआर की बनेगा आपने सुना होगा एक अनार सो बीमार तो जब एक अनार होगा सो तो बीमार होंगे तो भाई एनआर की कंडीशन बनेगी बनेगी हिंदी में कहते हैं अराजकता है ना यानी एबसेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये भी कहते हैं आप हाँ, इसको एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और बच्चों ये तो पूरी बड़ी जगह की बात है अगर ये छोटी जगह में हो तो हम इसे क्या कहते हैं कैओस कैसएस ये भी एनआरकेएल कंडीशन है ये भी बच्चों एनआरके है अराजकता है ब्यूरोक्रेसी आप बढ़िया से जानते हो डेमोक्रेसी भी आप जानते हो बढ़िया से डेमो डेमो का मींस किससे होता है डेमो का मींस होता है बच्चों पीपल से लोगों से इसीलिए हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र हम इसे लोकतंत्र कहते हैं नेक्स्ट पे आएंगे अकरिंग एट सेम टाइम अगर कोई चीज बच्चों सेम टाइम पे अकर होती है घटित होती है तो हम उसे क्या कहते हैं इलेजिबल इवरेबल साइमल्टेनियस या नन ऑफ द एबो राइट बच्चों साइमल्टेनियस कहेंगे देन वट इज कंटेम्प्रेरी हां जी बच्चो बताओ कंटेम्प्रेरी क्या है इसको भी तो प्यारे बच्चों समकालीन कहते हैं सेम टाइम वाले हाँ बिल्कुल आरूज ये लिविंग करते हैं दे आर लिविंग एट द सेम टाइम अकबर बिरबल कंटेम्परे थे लेकिन अकरिंग एट द सेम टाइम कोई ऐसा काम जो एक साथ हो रहा हो चाय भी पी रहे हैं हम दूध भी पी रहे हैं साथ साथ पी रहे हैं तो साइमल्टेनियस पी रहे हैं एक हाथ में चाय का कप है एक हाथ में दूध का ग्लास है एक घूंट दूध एक एक घूंट चाय ऐसे कर करके हम पी रहे हैं क्योंकि हम तो हम हैं तो वो बच्चों साइमल्टेनियसली हो जाएगा अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड चर्च यार्ड के अलावा बच्चों हम क्या कहते हैं बरियल को सेंटिनरी सिमेट्री क्रीमेटोरियल हंड्रेड परसेंट बच्चों सिमेट्री बनेगा है ना क्योंकि दोनों कब्र कब्रिस्तान होते हैं चर्चियाडी क्रिमिटोरियम तो आपका शमशान घाट बन जाएगा और सेंटिनरी का मतलब है बच्चों सो so, हंड्रेड से रिलेटेड रिलेटेड टू हंड्रेड एन एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन और इन अनदर वन एंड गेटिंग इट्स फूड फ्रॉम इट मतलब एक ऐसा एनिमल या पौधा जो दूसरे पे दूसरे से भोजन इकट्ठा करके जिंदा रहता है राइट बच्चों इसे ही पैरासाइट कहते हैं बहुत अच्छे इट इज पैरासाइट हिंदी में क्या कहते हैं पैरासाइट को पर परजीवी इसको हिंदी में बच्चों परजीवी कहते हैं जो दूसरों पे जिंदा रहता हो पर पे जिंदा रहता हो एम्फीबिया एम्फीबिया होता है आ, पानी में जमीन में जमीन साथ साथ रहने वाले सेलिबेसी ये बच्चों तो सब बच्चे मुझे बताएं एक बार के हाउ डूड यू फाइंड द वर्ड्स ये वर्ड्स बच्चों आपको कैसे लगे मैंने इसको ऐसे रेंडमली आपके लिए ले लिया है क्योंकि कल शाम भी क्लास नहीं ले पाए थे आपकी तो अभी मैंने सोचा कि ले लिया जाए बच्चों के जिससे कि कम से कम उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो और कनेक्शन उनका बने तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सेम क्लास थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय बच्चों।